कोरोना के शोर और खौफ के बीच अब अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। खांसी की वजह से एक्सप्रेस ट्रेन को पौने घंटे रोकना पड़ा। ट्रेन पर कोरोना के खौफ का मामला आनंद विहार से रक्सौल जा रही 14018 सद्भावना एक्सप्रेस से सामने आया है। रेल कंट्रोल ने ट्रेन में यात्री के खांसने और कोरोना का शक जताते हुए मामला चेक कराने का चंदौसी जंक्शन प्रशासन को आदेश दिया। ट्रेन आते ही रेल के डॉक्टरों की टीम संदिग्ध खांसने वाले यात्री को चेक किया, जो सामान्य निकला। इस बीच एक एसी कोच में किसी ने एक और यात्री को खांसी की सूचना दे दी। रेल प्रशासन, डॉक्टर, पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ समेत समूचा अमला दौड़ा। दूसरा रोगी भी सामान्य निकला। ट्रेन में कोरोना संदिग्ध की कंट्रोल की सूचना के बाद चेकिंग की वजह से सद्भावना एक्सप्रेस करीब पौने घंटे चंदौसी में खड़ी रही। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बना रहा, मगर सब सामान्य और सिर्फ शक पाए जाने के बाद रेल प्रशासन और यात्रियों ने राहत की सांस ली। इधर स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि कंट्रोल से सूचना आई थी। उधर जीआरपी थाना चंदौसी के एसएचओ ने यात्रा के दौरान लोगों से मास्क लगाने की अपील की। सद्भावना ट्रेन करीब 55 मिनट रुकी रही, क्या मामला था वो? उसमें दो संदिग्ध कोरोना के बताए गए थे, जिस कारण ट्रेन को रुकवाया गया और हमारे रेलवे के सीनियर डीएमओ आए डॉक्टर, उन्होंने उन्हें चेक किया और लिख के देने के बाद गाड़ी को चला दिया। सर, सद्भावना ट्रेन में सूचना मिली थी कि दो लोग बहुत ज़्यादा खांस रहे हैं, तो इसकी सूचना पर आप लोग पहुँचे, तो क्या मामला था वो? कंट्रोल की सूचना थी, कंट्रोल ने बताया कि आप व्यक्ति ने कंप्लेंट किया है कि कोई आदमी खांस रहा है, तो उसको अटेंड किया गया। अटेंड करने डॉक्टर साहब ने उसको अटेंड किया, अटेंड करके उसको चेकअप किया, चेकअप करने बाद उसको नॉर्मल पाया गया, फिर दिया गया। और उसी दौरान फिर दूसरी सूचना थी कि एसी कोच में भी एक व्यक्ति का कुछ सूचना इस तरह की है, वहाँ भी डॉक्टर ने अटेंड किया, उसको फिट दिया गया, उसको भी फिट देकर दोनों गाड़ी को रवाना कर दिया। हम तो यही कहते हैं कि आप आगे भी मास्क लगा के जो भी है ड्यूटी के दौरान या वैसे भी आप चला जाए और अपनी दूरी बना कर रखा जाए, जिससे कि